अनाइट ग्राम के मठिया राजाराम पैलेस में समाजवादी नेता लक्ष्मण ठाकुर के सानिध्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर का 95वीं जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित भाजपा नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप, पूर्व वार्ड पार्षद 43 नगर निगम सह जदयू प्रवक्ता शशि सक्सेना के ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समाज के अंतिम मैदान का व्यक्ति कर्तव्य निष्ठा और अति पिछड़ों अनुकरणीय है। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका जीवन बिल्कुल सादा था, सादा कपड़ा पहनते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे उसका हम लोग अनुकरण कर चुके हैं, अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और उसी के बदौलत हम लोग समाज में आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि हमारे जिले में है तो हमारे राघवेंद्र प्रताप जी की, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि बात नहीं कर रहा हूँ। और आज हम लोग संकल्प लेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो आदर्श थे उनके जयंती बनाई जा रही है। अभी आपको भी उनके समान ही माना गया, आप लोग बता रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, आज जिस महान व्यक्तित्व की जयंती हम मना रहे हैं, किसी साथी ने ये बात जरूर कह दी कि हम भोजपुर के कर्पूरी ठाकुर माने जाते हैं। मैं आपको एक बात सही बता देता हूँ कि कर्पूरी जी के पैरों के धूल के बराबर हम लोग नहीं, क्योंकि उस व्यक्तित्व को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से, और उनके सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर कोई दूसरा नहीं हो सकता। देखिए, आदमी सामाजिक जीवन में आता है और जो आज के सामाजिक जीवन की रूपरेखा है उसमें हम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे स्वार्थ में घिर जाते हैं कि सारे आदर्श हमारे सामने धूल धूसरित हो जाते हैं। एक महागरीब परिवार से आते हुए झोपड़ी में रहने वाला परिवार जीवन के अंतिम क्षण तक वही रह गया, जबकि वो इतने महान नेता हुए कि उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। आज सरकार ने घोषणा किया हमारे माननीय नेताओं को या सामाजिक या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी गई। हम सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन आज हम सभी बिहारवासी इस बात से जरूर दुखी हैं कि अभी तक ऐसे महान नेता कर्पूरी जी को अभी तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दी है। हम दुखी हैं और मांग करते हैं, अपनी सरकार से कहना चाहते हैं, हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आप स्वयं प्रधानमंत्री से आप लोग बात करें और कर्पूरी जी को सम्मानित करने का इससे बड़ा अवसर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए यह सम्मान भारत रत्न की उपाधि
ये कर्पूरी ठाकुर को नहीं मिलना ये सम्मान मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा उस व्यक्तित्व को जिसने समाज को आगे बढ़ाने में, समाज की रक्षा करने में, इसकी उन्नति करने में, इसकी एकता के लिए और इसकी सेवा के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने उत्सर्ग कर दिया। इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं आयोजक गणों को निश्चित तौर पर धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आज इन्होंने इसका आयोजन करके पूरे जिले में, राज्य में एक निश्चित तौर पर लोगों के बीच में एक धारणा पैदा करने का प्रयास किया है कि नहीं, कर्पूरी जी आज भी जीवंत है और हम लोग उनके रास्ते पर चले या प्रेरणा मिले, इसके लिए इन लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।